हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पर फाइनली आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी का जो आईपीओ का फाइनली क्लोज हो चुका है। सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे, बम्पर छप्पर फार सब्सक्रिप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर देखेंगे टोटल सब्सक्रिप्शन आप देखेंगे 106.5 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ। बहुत कम चांस है कि आईपीओ आपको मिलेगा अगर आप रिटेलर हैं तो। यहाँ पर क्यूआईपी कोटा में आप देख लीजिए 125 गुना के आसपास है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में 80 गुना के आसपास है, और रिटेल कैटेगरी वालों ने तो कमाल कर दिया 85 गुना के आसपास। और इंप्लॉयज भी आप देखेंगे तो सभी लगभग 70 के आसपास है। टोटल सब्सक्रिप्शन भी आप देख लीजिए। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा अलॉटमेंट स्टेटस कब आने वाला है, हमें कहाँ पर देखना है, तो देख लीजिए। आपको लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर चले जाना है। कब आने वाला वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, किस तरीके से देखना वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो इस वेबसाइट पर, लिंक इन टाइम की वेबसाइट पर आपको अलॉटमेंट स्टेटस देखना है, कब देखना उसके ऊपर बात कर लेते हैं। उससे पहले हम यहाँ पर इसका जीएमपी स्टेटस देखेंगे। अभी फिलहाल इसका जीएमपी कितना चल रहा है, आपको अगर ये मिल जाता है तो कितना प्रॉफिट मिल सकता है, लिस्टिंग गेन कितना मिल सकता है। आइडिया फोर्ज 550 रुपए के आसपास का जीएमपी कट ऑफ प्राइस, अगर आपने इसी प्राइस पर अप्लाई किया होगा तो आपको चांसेस आईपीओ मिलने का, अदरवाइज नहीं मिलेगा। 81% के आसपास का लिस्टिंग गेन है। तो जैसा कि हर वीडियो में बता रहा हूँ, 22 शेयर्स का एक लोट है, अगर आपने एक लोट के लिए अप्लाई किया तो 22 शेयर्स आपको अलॉट होंगे। 550 रुपए के आसपास का जीएमपी चल रहा है तो मोटा मोटा 12,000 और 100 रुपए के आसपास का आपको लिस्टिंग गेन मिल रहा है। तो जो लोग सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन लेने के लिए अप्लाई करते हैं, उनके लिए तो आईपीओ बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आईपीओ काफी अच्छा है। इसके साथ ही अभी हम यहाँ पर देखते हैं इसका अलॉटमेंट स्टेटस कब आने वाला है, उस पर नजर डाल लेते हैं। तो फाइनली आईपीओ 30 तारीख को क्लोज होने वाला था, देख लीजिए आईपीओ क्लोज डेट 30 तारीख आज ही क्लोज हो चुका। बेसिस अलॉटमेंट जो इसका है 5 जुलाई को आएगा, ठीक है, और रिफंड स्टार्ट होंगे 6 तारीख से। अगर आपको आईपीओ नहीं मिलेगा तो 6 तारीख से आपके रिफंड्स आने लगेंगे, और अगर ये आईपीओ आपको मिल जाता है तो क्रेडिट ऑन डीमैट अकाउंट 7 जुलाई को इसके शेयर्स 22 शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। अगर आपने एक लोट के लिए अप्लाई किया है तो ज्यादा लोट के लिए अप्लाई किया तो ज्यादा शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाएंगे। फाइनली आईपीओ की लिस्टिंग डेट आप देखेंगे 10 जुलाई को ये फाइनली एनएससी बीएससी दोनों जगह पर लिस्टिंग हो जाएगा, ठीक है। तो 10 जुलाई तक अभी आपको वेट करना है अगर आपने अप्लाई किया है तो। अब आपको देखना किस तरीके से इसका अलॉटमेंट स्टेटस, अपने ब्राउजर में आप आ जाएंगे और उसके बाद लिंक्डइन टाइम इस तरीके से आपको लिख देना है। वेबसाइट ओपन होगी, पैन नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डीपी, क्लाइंट आईडी, तीन तरीके से आप अपना स्टेटस देख सकते हैं। मैं हमेशा पैन नंबर द्वारा ही चेक करता हूँ। यहाँ पर आपको अपना आईपीओ सिलेक्ट कर लेना है। इस एरो पर क्लिक करने के बाद नीचे आपको अपना पैन नंबर डालना, अगर आप पैन नंबर से चेक करते हैं तो। अगर आप एप्लीकेशन नंबर से चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर डालना होगा। डीपी क्लाइंट आईडी से चेक करते हैं तो डीपी क्लाइंट आईडी डाल लें। इसके बाद सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप सर्च वाले बटन पर क्लिक करेंगे एक बॉक्स ओपन होगा यहाँ पर, वहाँ पर आपका पैन नंबर के साथ में पूरा स्टेटस दिखाई दे जाएगा, आपको शेयर्स अलॉट हुए तो कितने हुए, और अगर आपको आईपीओ नहीं मिला तो वो भी डेटा यहाँ पर दिखेगा कि आपको आईपीओ नहीं मिला, आपके नाम के साथ में आ जाएगा बड़ी आसानी के साथ। आप देख सकते हैं बहुत ईजी है ये। आपको कब देखना, जब आईपीओ अलॉटमेंट आने वाला उस दिन शाम को 7 बजे या फिर 8 बजे तक मैसेजेस आने लगते हैं। अगर आपको आईपीओ मिल गया है तो आपको आईपीओ मिलने का मैसेज आएगा, अगर नहीं मिला है तो आपके पैसे रिफंड का मैसेज आएगा, ठीक है। किसी भी तरीके का कोई मैसेज नहीं आता तो रात को 9 बजे या फिर रात 10 बजे के आसपास इस वेबसाइट पर बड़ी आसानी के साथ आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस देख पाएंगे कि आपको आईपीओ मिला है या नहीं मिला। अगर आपको कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी है, अगर आप नहीं देख पा रहे हैं आईपीओ अपना स्टेटस, तो यहाँ पर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम कोशिश करेंगे आपकी कमेंट का जवाब देने की, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।